तुम इतना हंस क्यों रही हो? क्योंकि अन्नी तुम थोड़ा कम हंसा करो। नहीं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने फ्लिपकार्ट से क्या मंगाया है। इस पे लिखा हुआ है एनाकोंडा ट्राइपॉड। ये देखिए अन्नी का टॉय मिल गया है। इसको बैठ के इस तरह फोड़ते रहेगी, फोड़ने में मुझे भी मज़ा आता है। देखो बजा अन्नी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 9 बजे हैं और मैं फ्रेश हो गई हूँ। सुबह का काम भी ख़त्म हो गया है और मैंने बेड भी लगा दिया है। थोड़ा देर बाद लगाई क्योंकि अन्नी लेट तक सोती है, लेकिन अब देखिए अन्नी भी फ्रेश हो गई है और नाश्ता भी हो गया है। आज मैं नाश्ते में भिंडी की भुंजिया, रोटी और दही रखी थी, क्योंकि गर्मी का दिन है तो दही अभी अच्छा लग रहा है खाने में। तुम इतना हंस क्यों रही हो? क्योंकि अन्नी तुम थोड़ा कम हंसा करो। नहीं, मैं ज़्यादा हंसूंगी। हाँ, अन्नी बोल रही है वो ज़्यादा हंसेगी। आज मैं सोफे का कवर अपने धोने में डाल दी थी और धुल भी गए हैं, वाइट कलर है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। अब मैं उसको जा रही हूँ छत पर डालने के लिए। मैं अपने मैरिज डे की तैयारी कर रही हूँ। उस दिन मार्केट गई थी तो वहाँ से 2 सूट और 1 साड़ी ले आई हूँ। सोचिए आप लोगों को भी दिखा दूँ। डिजाइन वाला साड़ी तो मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत हल्की है तो गर्मी में अच्छी लगेगी ऐसा। और ये दूसरा सूट है, इसका भी कलर और डिज़ाइन हमको अच्छा लगा। 26 तारीख आने में सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। पता नहीं मेरा ब्लाउज सिला पाएगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगी। अब मैं जा रही हूँ टेलर के पास ब्लाउज देने के लिए।
बजे हैं रात के 10 आप लोग, और हमारा डिनर हो गया है। आज की कहानी मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग सुनिएगा तो बहुत हंसिएगा। हम लोग शाम को बाहर नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत तेज आंधी थी और बहुत अंधेरा हो गया था, इसलिए हम लोग शाम को आज घर पे ही थे और शाम को भुजा खा रहे थे। भुजा खाने के बाद मन किया कि अब खाना नहीं खाएंगे क्योंकि पेट भरा हुआ था, लेकिन जब करीब 8:30 हुआ तो हम लोग को भूख लगने लगा। लेकिन मेरा आज खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तब मेरे हस्बैंड ने आइडिया दिया कि चलो बाहर खाते हैं। लेकिन आज आंधी की वजह से शाम से ही लाइट भी नहीं थी, इसलिए सब अंधेरा था, बाहर भी पूरा अंधेरा था और रोड भी खाली था, इसलिए आज हम लोग बाहर भी नहीं गए। तो इसलिए आज अन्नी का एग रोल खाने का मन था बाहर का, तो आज बोले कि चलिए घर पे ही बनाते हैं। तो वही रात में एग रोल बनाए और वही हमारा डिनर हो गया और हम लोग खा लिए हैं एग रोल। अभी देखिए अन्नी अपना गेम खेल रही है, इतना रात में भी अन्नी को खेलना है। ये देखिए अपना खिलौना के साथ सब खेल रही है, और सुबह इतना लेट उठती है लेकिन रात में जल्दी सोने के लिए मानती ही नहीं है। अन्नी इधर देखो, हाथ में क्या सोना नहीं है तुमको, और हाथ में क्या पहनी है देखो, ये देखिए हाथ में अपना ब्रेसलेट पहनी है, रोज पार्टी में ही जाती है। और ये देखिए इनकी बाल, ये सफेद बाल पूरा बाहर निकल आए हैं और पूरा हाय हेलो। देखिए दोनों आदमी को नींद नहीं आ रहा है, पर हमको आ रहा है क्योंकि हमको सुबह जगना रहता है। जब तक अन्नी सोएगी नहीं किसी को सोने भी नहीं देगी। ये सिर्फ अन्नी के लिए खाना बना रही हूँ, अन्नी का ये खाना है। तो क्या बन रहा है आप लोग खाने में आज? रोटी सब्जी आपने बैठा दिया है क्या? सब्जी भी एक तरफ बन रहा है, एक तरफ रोटी बेल रही हूँ। अन्नी के दोनों फ्रेंड है, रात के खाने पे आए हैं, उन्हीं के लिए खाना बन रहा है। मम्मी दूसरा खा नहीं रहे हैं, वो खाना अच्छा नहीं बनाई है अन्नी। अन्नी गुस्सा है क्या? ये दोनों खा नहीं रहे नहीं, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो आप सबको मेरी तरफ से गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।